भाई मेरा नाम आबिद है। एक गेनर लिया था मैंने, एक भाई ने दिलाया था जिम में ही, तो इस गेनर से मुझे साइड इफेक्ट हुए थे के बाद में मेरे पेट में भी दर्द हुआ था। मैंने भैया के पास एक बार कॉल भी किया था इस बारे में, तो भैया ने ये नहीं कहा था जब भी कि आप मेरे पास आ जाओ, ये कहा था कि आप डॉक्टर की सजेशन लो पहले, के बाद आप मेरे पास आना। तो एक तो भैया पर मुझे ट्रस्ट बहुत है, बस मुझे भैया से तमन्ना थी। वीडियो देख कर ही आए हम, मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और एक भी वीडियो में मिस नहीं करता भैया की। GST नंबर के बिल सही प्रोडक्ट खरीदे और सप्लीमेंट विला सबसे बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट से रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ हैं आबिद जी और साजिद जी, जो कि स्पेशल आए हैं हापुड़ से। और दोस्तों भाई जो है स्पेशली गाड़ी से आए हैं। भाई बता रहे थे कि भैया हमारा जो है टोल भी कट गया, CNG भी हो गई, और सिर्फ स्पेशल इसलिए कि हम आपसे मिल सके। तो भाइयों का दिल से धन्यवाद कि भाई इतना कष्ट लेके आए, भाइयों ने इतना खर्चा उठाया मेरे से मिलने के लिए। दोस्तों आप जब इतना प्यार, इतना विश्वास दिखाते हैं, तभी मैं आपके लिए जो है खड़ा रहता हूँ फेक माफिया के अगेंस्ट, आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के बारे में सारी इंक्वायरी देता हूँ। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले जानते हैं कि भाई इतनी दूर क्यों आए हैं, क्या कारण है। चाहते तो ही मंगा भी सकते थे कि कोरियर सर्विस अवेलेबल है हमारी, तो भाई से ही हम सारी बातें जानते हैं। तो भाई भाई मेरा नाम आबिद है। मैं सबसे पहले एक गेनर लिया था मैंने, एक भाई ने दिलाया था जिम में ही, तो वो मतलब उन्होंने गेनर मुझे मेरठ से दिलाया था, तो इस गेनर से मुझे साइड इफ़ेक्ट हुए थे सबसे पहले जो मैंने खाया था, तो उससे मेरे पिंपल्स हो गए फेस पर और मेरा पेट निकल गया था। तो फिर मैंने उनसे भाई से कहा था भी ये कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने कहा कि मिर्च मसालों से हो रही है। अच्छा जी, तो फिर मैंने ऐसे ही खाता रहा मुझसे। फिर उसके बाद में मेरे पेट में भी दर्द हुआ था। मैंने भैया के पास एक बार कॉल भी किया था इस बारे में, तो भैया ने ये नहीं कहा था जब भी कि आप मेरे पास आ जाओ, ये कहा था कि आप डॉक्टर की सजेशन लो पहले जी, उसके बाद आप मेरे पास आना जी। तो एक तो भैया पर मुझे ट्रस्ट बहुत है, दूसरी बात ये कि उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी प्रोडक्ट खरीदे थे, बस मुझे भैया से तमन्ना थी और मेरा अब साइज भी रुक गया था, तो मैं ये चाहता था कि भैया के पास आऊं और मैं उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताऊं कि अभी अब भैया ने मुझे ये दिया है म्यूटेंट का जी, मास गेनर, और एक लबराडा का क्रिएटिन दिया है, और ये दिया है LRG9 जी। तो आबिद एक बार अपना एक बार प्रॉपर एड्रेस बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। मैं जिला हापुड़ का हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी, और मेरा प्रॉपर एड्रेस है बुलंदशहर रोड सामिया गार्डन सिटी हापुड़ जी। भाई एक बार आप बताइए कहाँ से आए हैं। वहीं से वहीं पर ही रहते हैं पड़ोस। आप नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है जी। तो मैं भाई के लिए ड्राइव करके आया हूँ, ये कह रहा है सर से मिलना है जी, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी मुशक्कत करके, अब मैं तो गाड़ी मुझ पर कमी आती है, फर्स्ट टाइम ही आज ले गया हूँ, गाड़ी चला नहीं भी। मेरा भाई तो डर भी रहा था कि नू तो कहीं ठोक मत देना, मैंने कोई बात नहीं भाई चलते हैं। भाई देखो ऐसा तो नहीं है ना, काफ़ी भाई कमेंट करते हैं कि ये इनके अपने लोग होते हैं। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखो विश्वास ही होता है जी, देखते हैं क्या होता है। GST बिल है सबसे मेन बात, भैया के पास GST बिल है और आपको ट्रस्ट है। इनका चैनल है यूट्यूब चैनल सप्लीमेंट विला के नाम से, वीडियो देख कर ही आए हम, मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और एक भी वीडियो में मिस नहीं करता भैया की जी जी। तो दोस्तों भाई ने आपको जो है बताया सारी चीज़ें, दोस्तों फेक माफिया की कहानी भी भाई ने बता दी। दोस्तों यही होता है फेक माफिया का, वो बेसिकली क्या है, जो अनअवेयर जो होते हैं उनको ग्रैब करता है। और दोस्तों हमारे चैनल का गोल है कि हम आपको अवेयर कर पाएँ। दोस्तों हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि फेक ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है, क्या सप्लीमेंट किसे लेना चाहिए, आपका बॉडी गोल क्या है, उसके हिसाब से आप कौन सा सप्लीमेंट लें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो उनके, ताकि सारे भाई जो हैं हम आपस में अवेयर हो सकें। दोस्तों अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम अवेयर हो पाएंगे, अदरवाइज़ हम अवेयर नहीं हो पाएंगे, फेक माफिया के हम चुंगल में फंसते ही रहेंगे और दोस्तों हमारा विश्वास भी टूटेगा और पैसे भी बर्बाद जाएंगे। तो भाई को बताया उन्होंने कि भाई मिर्च मसालों से हो रहा है, तो दोस्तों फेक माफिया इसी तरीके की जो है आपको बातें बताएगा, आपको फंसाएगा, आपसे पैसे भी ले लेगा, आपकी सेहत को नुकसान हो जाएगा, फिर पीछे हट जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है GST बिल के साथ सप्लीमेंट लें, ओरिजिनल लें। ओरिजिनल फेक में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। तो दोस्तों जैसे भाई अब इतना विश्वास करके आए हैं, भाई ने बताया कि भाई का बॉडी गोल है गेनिंग का, कि इनका साइज़ अब रुक चुका है और भाई को अपना वेट भी इंक्रीज़ करना है, मसल साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए जो है मैंने भाई को सजेस्ट किया है म्यूटेंट मास गेनर।
दोस्तों म्यूटेंट मास गेनर बेस्ट है उनके लिए जो स्किनी बॉडी पतली बॉडी वाले हैं, जिनको अपना साइज गेन करना है और प्लस में अपना थोड़ा वेट भी इंक्रीज करना है। दोस्तों म्यूटेंट मास गेनर की अगर हम यहाँ पर सप्लीमेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसकी जो एक सर्विंग है वो है 2 स्कूप मतलब 140 ग्राम की, उसमें आपको कैलोरीज मिलेंगी 550, फैट सिर्फ 6 ग्राम, इसमें हमको जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे 96 ग्राम मिलेंगे, इसमें हमको फाइबर मिल रहे हैं 4 ग्राम जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, शुगर है 9 ग्राम। जो लोग कहते हैं कि मास गेनर में सिर्फ शुगर रहती है तो उनका जवाब उनको मिल गया है, 140 ग्राम की सर्विंग में 9 ग्राम शुगर। दोस्तों इसके टेस्ट के लिए भी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप इसे खा भी नहीं पाएंगे। प्रोटीन यहाँ पर मिल रहा है 28 ग्राम जो कि मसल्स को रिपेयर करेगा, मसल साइज इंक्रीज कराएगा, इसके अलावा विटामिन ए सी कैल्शियम आयरन ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो दोस्तों ये है बेस्ट मास गेनर। इसके फेक ओरिजिनल की मैं आपको पहचान बता देता हूँ शॉर्ट में। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो इम्पोर्टर टैग, जैसे ये रहा ब्राइट कम्युनिटीज़ का इम्पोर्टर टैग जिसके ऊपर ब्राइट कम्युनिटीज़ वालों का जीएसटी नंबर, ब्राइट कम्युनिटीज़ वालों का एफएसएल लाइसेंस नंबर, इसके ऊपर उनका ऑफिस एड्रेस। दोस्तों ब्राइट कम्युनिटीज़ का जो ये टैग है ये भी आपको अच्छे से नोटिस करना है, जिसके ऊपर इनका एफएसएल लाइसेंस नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ऑफिस एड्रेस भी है, सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको जो है पैकेट की क्वालिटी देखनी है, क्योंकि दोस्तों जो फेक जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें पैकेट की क्वालिटी काफ़ी डल होती है, और अगर फाइन क्वालिटी भी है तो आपको बड़े गौर से देखना है कहीं उनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर इसकी एक्सपायरी डेट की बात करें तो भाई आपको बताएंगे कितनी है इसकी एक्सपायरी डेट, अभी देखो बताओ कितनी है। 2022 है एक्सपायरी डेट दोस्तों, 2022 इसकी एक्सपायरी डेट है, मतलब बिल्कुल ही फ्रेश लॉट का ये सप्लीमेंट है। और यही बेनिफिट है सप्लीमेंट विलापर की, आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट तो मिलेंगे मिलेंगे, फ्रेश लॉट भी मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा भाई को मिला है इसका जीएसटी बिल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको सप्लीमेंट नहीं लेने हैं। ये रहा जीएसटी बिल, जिस जीएसटी बिल के ऊपर सप्लीमेंट मिला का जीएसटी नंबर, एफएसएसएल लाइसेंस नंबर, स्टैम्प सिग्नेचर, भाई ने कितना टैक्स पे किया है, सारी चीज़ें मेंशन है। दोस्तों फेक माफिया का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो आपको जीएसटी नहीं देगा, वो आपसे कहेगा कि आप जो है इस पैसे को बचाकर कोई और सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप अपने पैसे को जो है सेव कर सकते हैं। दोस्तों जब आप थोड़ा बहुत लालच में आएंगे तो फिर जो है वो आपके पैसे भी ले लेगा, आपकी सेहत को भी नुकसान होगा, और जब आप उसे कंप्लेंट लेके जाएंगे देन वो पीछे हट जाएगा। तो दोस्तों फेक माफिया से बचना है आपको और ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने हैं तो ये सप्लीमेंट मिला का जीएसटी बिल है जो कि भाई को मिला है। और इसके अलावा भाई ने लिया है, भाई दिखाइए, लबराडा क्रेडिन जो कि गेनिंग में काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये बॉडी में एटीपी सप्लाई करेगा, उससे दोस्तों मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर, सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। तो लबराडा का क्रेडिन बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों क्रेडिन ये लबराडा का है 650 रुपये का, जिसका जीएसटी बिल वगैरह सारी चीज़ें भाई को मिली है, एमपीएनएस के इंपोर्टर हैं। और ये रहा दोस्तों, भाई ने बोला था कि भैया वास्कुलैरिटी के लिए, थोड़ी पंपिंग के लिए भी कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कीजिए, तो भाई को जो है मैंने सजेस्ट किया था बिग मसल नाइट्रोक्स। ये क्या है, ये आर्जिनाइन है दोस्तों, मतलब नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमारी बॉडी में बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की सप्लाई करता है, मसल पंपिंग आती है, वास्कुलैरिटी आती है, इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा पहुंच पाते हैं, मसल साइज भी गेन कराता है। तो बेस्ट सप्लीमेंट है और टोटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी जीएसटी बिल भाई को मिला है। तो दोस्तों जीएसटी बिल के बिना आपको सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, चाहे वो इंडियन ब्रांड है चाहे वो इम्पोर्टेड ब्रांड है, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि फेक माफिया जो है आपको फंसाने के चक्कर में रहेगा और बिगिनर्स ही उसका टारगेटेड जो क्राउड है वो होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा जो है ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने हैं, और ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए जैसे भाई आए हैं आप भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो दोस्तों मंगा सकते हैं, हमेशा ही ओरिजिनल मिलेंगे विद जीएसटी बिल, करंट इम्प्रोटेक फ्रेश लॉट। नो डाउट दोस्तों जीएसटी बिल पे आपको थोड़ा बहुत टैक्स तो देना पड़ता है, बट दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां आप 6-7-8 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, 600-700 या 1000-1200 रुपये बचाकर दोस्तों कोई गाड़ी बंगला नहीं आने वाला है। तो आप ध्यान रखें कि जीएसटी बिल के साथ ही आपको सप्लीमेंट लेने हैं। मैं भाई से पूछता हूँ, भाई ने इसके ऊपर जीएसटी टैक्स पे किया है, क्या फ़र्क पड़ा भाई को, अगर इस पैसे को बचा लेते तो क्या हो जाता, भाई बताइए। जीएसटी पे करके भाई हम फेक माफिया से बचेंगे सबसे पहली बात, और हम थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में अपने जीएसटी नहीं देते तो हम अपने ही नुकसान करेंगे जी। तो इसलिए क्या सलाह देना चाहोगे भाई सबको? भाई जीएसटी नंबर के बिल से ही प्रोडक्ट खरीदें और सप्लीमेंट विला सबसे बेस्ट है जी। तो दोस्तों भाई ने जो है आपको बता दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रियलिटी है कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। दोस्तों आप जो है भाई की बात माने, मेरी बात माने कि जीएसटी बिल के बिना सप्लीमेंट ना लें, और ओरिजिनल सप्लीमेंट अगर आपको लेने हैं फ्रेश लॉट के तो जैसे भाई ने बताया कि सप्लीमेंट वाला दी बेस्ट ऑप्शन है। भाई तो इतनी दूर से आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अगर आप नहीं आ सकते तो मंगा सकते हैं, कोरियर सर्विस घर घर गांव गांव तक अवेलेबल है, कोई परेशानी आने वाली, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, कॉल कीजिए व्हाट्सअप कीजिए किसी भी सप्लीमेंट का ऑर्डर डालने के लिए। दोस्तों भाइयों ने वीडियो बनवाई, इतना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि हम सब लोग बच सकें, उसके लिए भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम सब लोग अवेयर हो सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।
चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।